अच्छा सुबह सुबह बन रहा है आज हलवा, हलवा और पराठा बना देंगे। हर बार मैं दूध से बनाती हूँ तो आज दूध से नहीं बना रही हूँ, आज पानी से बना रही हूँ और गुड़ से बना रही हूँ। चलिए बनते हैं फिर, देखते हैं खाके कैसा बनता है, कभी बनाए नहीं, आज पहली बार ट्राई की। कोनो पोका नहीं बोला जुआन। तो फाइनली भाई को दिए हम आटा लगाने के लिए, क्योंकि हम आटा लगा नहीं पाते प्रेशर देखें, और पति देव देवर जी अभी तक आए नहीं है मॉर्निंग वॉक से। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था इसलिए मैंने भाई को बोला आटा लगा दो, हम रोटी बना लेते हैं। पता नहीं भाई कभी आटा लगाया नहीं, इसलिए सामने बैठे हुए हम बुझे, मतलब बोल बोल के पानी डलवाएंगे, उसे उसको आइडिया नहीं आटा लगाने का, फिर ट्राई करते देखते कैसा लगाता है। फाइनली बन गया, थोड़ा लगभग बन ही गया है, थोड़ा सा और सीख लेते हैं। मुझे आलू का हलवा खाना बहुत अच्छा लगता है, सूजी का मेरे पति देव को बहुत अच्छा लगता है, पति देव को मेरे ससुराल में सबको सूजी का हलवा अच्छा लगता है, मुझे उतना नहीं अच्छा लगता है। तो हलवा जैगरी पाउडर से बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज है मंडे और आज है मे बी दो तारीख है ना, आज है 2 तारीख। अभी बज रहा है सुबह का 10:46। तो अभी बज रहा है 10:46 और अभी से मैं ये व्लॉग शुरू करती हूँ। तो बिना स्किप किए पूरा दिन का इस जर्नी में आप लोग बने रहिए, और मे बी आजकल में पिंटू भैया चले जाएंगे इसीलिए थोड़ा सा मन उदास हो रहा है मेरा, उसको जाने नहीं देना चाहते, लेकिन 8 को उसका BPSC का एग्ज़ाम है तो उसको जाना ज़रूरी है। तो पूरा दिन बने रहिए, देखते क्या क्या करते। मॉर्निंग वॉक करके अभी बज रहा है दोपहर का 12:30, और 12:30 बजे मॉर्निंग वॉक किया कि आफ्टरनून वॉक किया हमको नहीं पता। नारियल पानी लेके आया है और मेरे लिए भाई के लिए गुलाब जामुन लेके आए हैं बटरिंग करने के लिए। खुद लोग तो बाहर से ब्रेकफास्ट करके आए हैं ना, कोई बात नहीं, हम लोग भी बड़ा मस्त सा ब्रेकफास्ट किया। भाई पटल लेके आए थे तब से सोच रहे थे एक दिन पटल पोस्त बनाएंगे। पति देव को बोले थोड़े दिन बनाने के लिए, लेकिन पति देव तो जो पटल पोस्त बना रहे वो और पूछिए मत। तो चलिए आज बना रहे हैं हम फाइनली, लेकिन पटल मेरा ताज़ा नहीं रहा है, थोड़ा सूख गया है। तो आज अपना मन लायक जैसे घर में बनता है मेरा, मम्मी बनाती चाची बनाती ऐसा बनाते, देखते कैसा बनता है। राजत कैलाशी नंदी भृंगी नृत्य करत है, नंदी भृंगी नृत्य करत गुण भक्तल शिव के दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बैठे जहाँ बैठे शिव अविनाशी। कंप्लीट हो गया, पति देव घर क्लीन कर दे रहे, उसके बाद भाई पूजा कर लेगा फटाफट, आज सोमवार है, पूजा करना जरूरी है, 2 हफ्ते से नहीं हुआ इसलिए घर क्लीन हो गया।
राग रागिनी अति गासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है मन के वासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है मन के वासी। शरण पड़ो किसकी तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा। आस तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। पतिदेव जल्दी जल्दी लंच कर लिए हैं, पेटू आदमी आप लोगों को पता ही है। हम भाई और पिंटू भैया तीनों खा रहे हैं अभी। रुकिए दिखाते हैं। शाम को 7:30 और घर में कोई नहीं, सब हमको छोड़ के चला गया। पतिदेव और देवर्जी दोनों घूमने निकल गए, भाई अपने फ्रेंड से मिलने चला गया। हम घर में अकेले अकेले बोर हो रहे थे और मुझे फिर से भूख लग गया, इसीलिए कल उस दिन खिचड़ी बनाई तो चावल दाल बचा हुआ था कच्चा, वो भिगा हुआ था तो उसको मैंने पेस्ट करके एक घोल बना लिया है और उसी का मैं चिल्ला बना के अभी मास्टर सॉस के साथ खाऊंगी। अच्छा है, कोई नहीं है घर में, अभी हमको किसी के लिए बनाना नहीं है, अकेले दोनों अपना बनाऊंगी और खा लूंगी, जिसको खाना होगा अपने आके बनाएगा। तो चलिए कैसा बनता है, कैसे बनाते हैं देखते हैं, फिर खाते हैं। तो बन गया मेरा दाल चावल का चिल्ला, इसको मैं मास्टर सॉस के साथ खाऊंगी, कोकोनट भी था तो लेके आई हूँ, तो देखती हूँ खा के कैसा बना है, क्योंकि दो दिन से दाल चावल भींगा हुआ था, थोड़ा स्मेल कर गया था, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा मिर्ची डाल के बनाया है। मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, ऊपर से मास्टर सॉस के साथ खा रही हूँ तो और ज़्यादा स्पाइसी लग रहा है। चलिए इसको खाते हैं। पहले जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे घर में कोई नहीं, सब हमको छोड़ छोड़ के चला गया है, तो अभी मेरे घर में सब कोई वापस आ गया है। तो भाई घूम के आते टाइम क्या लेके आया है दिखाते आप लोगों को। पतिदेव उसको निकाल रहे हैं प्लेट में, आने दीजिए फिर दिखाते। पटी ही नहीं हो रहा है, देख सकते हैं भाई लेके आया है मोमो, और अभी हम लोग मोमो पार्टी कर रहे हैं। बाबा रे कितना कर दी खेने में तोटा, छी घटिया मोमो एकदम मुकरा हो गया, खा के तो लिया हॉर्डर करके चल छी राम। रात को बज रहा है 10 और दोनों भाई मिल के बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। तो शाम को ये लोग लूलू मॉल घूमने गए थे, तो वहाँ का कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, चलिए बने रहिए।